अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज इंस्पिरेशन की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं वजीर अजहर मेहंदी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेड ऑफ, मेड फ्रॉम और मेड विथ, इन वर्ड्स को हम कैसे आपस में यूज़ कर सकते हैं और अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ओके गाइस, पहले हम बात करेंगे मेड ऑफ की। तो मेड ऑफ को हम उस जगह पे यूज़ करेंगे या उस प्रोसेस में तब यूज़ करेंगे जब उस प्रोसेस के दौरान उस मटेरियल के अंदर कोई फिजिकल चेंज नहीं आ रही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। देखें, वुड और चेयर्स दोनों की फिजिकल जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है जी, मेरा घर ब्रिक्स से बना हुआ। देखें जी, ब्रिक्स की भी जो हालत थी घर बनने के बाद भी उसी हालत। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे मेड फ्रॉम की। गाइस, इसको हम तब यूज़ करेंगे जब किसी चीज़ की फिज़िकल जो कंडीशन है या जो फॉर्म है वो पहले से चेंज हो जाए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल देख लें, वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स। देखें, ग्रेप्स की अभी जो फिज़िकल फॉर्म थी कुछ और होती है, जब आप उसको शराब बनाते हो तो उसकी फिज़िकल फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक हो गया जी। और दूसरा है पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रीज़ की फ़िज़िकल फॉर्म अलग है और पेपर की फ़िज़िकल फॉर्म बिल्कुल अलग है। अब गाइस, हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो गाइस, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख के जा रहा हूँ, तो इनको आप हल कर लें और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कुछ आएगा। तो थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।